कोरोना के बढ़ते प्रादुर्भाव को देखते हुए शनिवार और रविवार को बंद का ऐलान किया गया, जिसे शहर की जनता पूरा सहयोग कर रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संजय मेरे इनकी ये रिपोर्ट बड़कस चौक बंद में। दर्शकों नमस्कार, इस समय में बीसीएन की टीम बड़कस चौक में खड़ी है। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना का जो प्रादुर्भाव जो बढ़ रहा है उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसके चलते प्रशासन को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि शनिवार और रविवार को पूरा साप्ताहिक बाजार बंद रहेगा। और तमाम ये आप देख सकते हैं कि इस समय में चौक में सन्नाटा सा है, सभी प्रतिष्ठान दुकानें पूरी तरह से बंद है, पुलिस का चाक चौबंद बंदोबस्त भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए हम सीधा रुख करना चाहेंगे इस समय में, हमारे साथ में महल कोतवाली के पुलिस निरीक्षक भोसले जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भोसले साहब, ये बताएं कि जिस तरह से पुलिस का ये जो इंतजाम है और जो पूरा बंद जो दिखाई दे रहा है, आपकी नज़र से क्या देखते हो, कैसा लग रहा है आपको? जो कोरोना बढ़ रहा है इस हिसाब से वरिष्ठ ने आदेश दिया है, वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश दिया है, उसके हिसाब से सब दुकानें बंद है। अभी आज और कल दो सभी दुकानें बंद रहेंगी। कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने मास्क भी नहीं पहने हैं और चार पहिया वाहन से वे गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर में क्या कार्रवाई करोगे आप? हमारी यह हर पुलिस स्टेशन में दो नाकाबंदी लगा है, नाकाबंदी दरमियान जो भी बिना मास्क मिलेगा उसके ऊपर कानून कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल, आप थे ज्ञानेश्वर भोसले जिन्होंने बखबीर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर में सख्त कार्रवाई की जाएगी, जनता ने भी सहयोग करना चाहिए क्योंकि मी जवाबदार इस शीर्षक के नीचे ये शनिवार और रविवार के दिन दो दिन का ये लॉकडाउन जारी किया गया है। भोसले साहब, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक तरफ शहर का बढ़ती जनसंख्या, दूसरी ओर पुलिस की कम संख्या, ऐसे में ये जो कोरोना कार्यकाल में जिन वॉरियर्स ने काम किया और अभी भी कर रहे हैं उनके सेहत का किस प्रकार से पुलिस वालों का कैसा ध्यान रखेंगे आपका प्रशासन? नहीं, जो भी सब पुलिस वाले की वैक्सीनेशन हो गया है, जो भी है उसने अभी तक वैक्सीन नहीं किया उसका दो दिन में वैक्सीनेशन हो जाएगा, और बाकी जो है आरटीपीसीआर टेस्ट भी हो किया जा रहा है, हर पुलिस में टेस्ट किया जा रहा है, और जो भी प्रशासन की तरफ से गोलियां है दी है वो भी लोग ले रहे हैं। कोतवाली के पीआई ज्ञानेश्वर भोसले जी जिन्होंने अच्छी बात करते हुए यह बताया कि नागरिकों ने इसका पालन करना बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बीच में कुछ ऐसी बातें उभर के सामने आई थी कि कोरोना ये पूरी तरह से खत्म हुआ है, मगर अफसोस कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लोगों की यह धारणा थी क्योंकि जिस प्रकार से राज्य में जो बढ़ती जो संख्या है, कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में लोगों ने एहतियात बरतना चाहिए और पूरे सावधानी बरतते हुए इस प्रकार का मास्क और सैनिटाइजिंग करना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए। इसके लिए सरकार ने यह कामकाज किया है, प्रशासन द्वारा कमिश्नर है राधाकृष्णन भी म्यूनिसिपल कमिश्नर, इनका यह कहना था कि पूरी तरह से दो दिन स्कूल कॉलेज तो बंद, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे, साथ ही साथ दुकान खुलनी क्या है तो जैसे कि फ्रूट्स की दुकान हो, दवाई की दुकान हो, ग्रोसरी हो, ये या फिर वैद्य की जो सेवाएं होती है उनके लिए पेट्रोल पंप है ये जरूर खुले रहेंगे, लेकिन लोगों ने यहाँ पर भी जाते समय में पूरा अपने एहतियात बरतना चाहिए क्योंकि कोरोना को यदि खत्म करना है तो वो सब हम लोग कर सकते हैं। हम बड़का चौक में इस समय में थोड़ा पहन करके दिखाइए कि कोतवाली थाना के कुछ नौजवान यहाँ पे पुलिस जवान काम करते हुए नजर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि छोटे बड़े दुपहिया कोई साइकिल से जा रहा है और सभी के इसमें देखिए मास्क लगाए हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं लोग भी पूरी तरह से प्रिकॉशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। सामने में एक मीठे अंगूर की दुकान भी दिखाई दे रही है क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन ने जो कहा है, यानी फ्रूट की जो दुकान है वो भी शुरू रहेगी क्योंकि मरीजों के लिए जब वे खाना नहीं खाते तो ऐसे ही जूस या फिर इस तरह से ये अंगूर का सेवन करके वे अपना पेट भरते हैं। आइए एक दुकानदार हमारे साथ में है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से प्रशासन ने तो फल फ्रूट की और सब्जी की दुकानों को पूरी तरह से इजाजत दी है मगर साप्ताहिक बाजार बंद है, आज कोरोना की स्थिति यह है कि आज शनिवार और रविवार के दिन पूरे चौक में सन्नाटा है और आपने जो अंगूर की दुकानें जो सजाई है, जो सजी गई है, ये बताइए क्या ग्राहक आ रहे, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? ग्राहक है, कुछ कम प्रमाण में है, जो गरजू लोग है वो फल आके लेके जा रहे हैं, लेकिन वैसी गिरायकी पहले जो रहती है उस टाइप की गिरायकी नहीं है इस वक्त बाज़ार में, और लोग खुद डरे हुए सहमे हुए हैं इस कोविड से, इस कारण दुकानों में भीड़ नहीं हो रही है।
अब तक आपका जो रोज का जो कारोबार था और आज बंद के इसमें जो कारोबार है उसमें कितना? बहुत 25% 25% है सर, 100 में से 25% है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बंद के दरमियान इस प्रकार का ये कामकाज हुआ है, यानी आपका नुकसान हुआ है? नुकसान तो भरपूर हुआ है सर। बिल्कुल नुकसान होना लाजमी है, इसकी वजह यह है क्योंकि लोग अपने घरों में हैं और लोग पूरी तरह से मी जवाबदार इस टाइटल के नीचे लोग भी पूरी तरह से शासन हो प्रशासन हो या हो फिर सरकार उन्हें पूरी तरह से मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि आप भी मास्क लगाइए वरना आपके ऊपर भी एक जो कार्रवाई है वो हो सकती है, इस कार्रवाई से बचे क्योंकि हम सबका यही काम होगा कि कोरोना के बढ़ते कदम को रोकना है तो हमें सहयोग करना जरूरी है। बड़कर चौक से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, BCN News नागपुर।